हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम फ्रेंड्स, ऑन पर्स्यूट टेक्नोलॉजी आईकैन में रजिस्टर हो चुकी है। अभी इसका पूरा हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, काफी सारे लोग इसको बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी गुड न्यूज है। अभी आपको आईकैन के बारे में पता चलेगा कि ये क्या है और इससे क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, और जितना भी इंटरनेट होता है उसको ओन करती है आई कैन। ये बात बिल्कुल रियल है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, यकीनन आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है अगर आप ऑन पेसियंस हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप आई कैन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, जो आप देख पा रहे हैं कि वहां पे ऑन पेसिव टेक्नोलॉजी जो है ना वो पूरी तरह से रजिस्टर हो चुकी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि व्हाट इज आई कैन, ये है क्या। तो सबसे पहले हम आई कैन को समझ लेते हैं। आई कैन, इसको आई सी ए एन नहीं बल्कि आई सी ए एन एन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएसए से ऑर्गेनाइजेशन ये पूरी तरह से कंट्रोल की जाती है। और माय डियर फ्रेंड, इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्ड एंड नंबर, यानी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप कोई भी वेबसाइट यूज करते हो, सपोज कि आपने www.google.com को यूज किया और वहां पे आपने देखा कि जो भी चीजें होती हैं आपने उसको एक नाम के थ्रू आपने उसको सर्च किया, तो जो इंटरनेट है वो आपको एक नाम के थ्रू वो कैसे देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है डोमेन की। जो डोमेन होता है वो कहीं ना कहीं जैसे .com, .in, .org जैसे बहुत सारे डोमेन होते हैं, इसको लिस्ट कराती है ये आई कैन, जो आपकी एक वेबसाइट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएसए से कंट्रोल की जाती है। और माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये आई कैन ना हो और तो कहीं ना कहीं सपोज करें कि मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.mohammadkaif.com और ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे ही वेबसाइट को ले लें बना ले, तो ऐसा मिसमैच हो जाएगा, तो कोई भी वेबसाइट सर्च में नहीं आ पाएगी, पूरा इंटरनेट गड़बड़ हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। तो इसी चीज को कंट्रोल करती है आईपी एड्रेसेस के थ्रू और आईपी नंबर्स के थ्रू। तो यहाँ पे जो डोमेन होता है उस डोमेन का एक पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस होता है। सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर नहीं जानता है कि आईपी एड्रेस का नाम क्या है। एक्चुअल में जो भी आप वेबसाइट सर्च करते हो वो एक नाम सर्च करते हो, ना कि आईपी एड्रेस सर्च करते हो। आप सपोज करें कि आप गूगल को सर्च कर रहे हो 1.1260 एंड ऐसा करके कोई गूगल को सर्च कर पाएगा नहीं, तो उस आईपी एड्रेस का एक पर्टिकुलर नाम होता है। सपोज करें कि मेरा जो आईपी एड्रेस है वो है 1.01, ऐसे करके बहुत बड़ा आईपी एड्रेस है तो कोई याद नहीं कर पाएगा, तो उस आईपी एड्रेस का मैं नाम रखूंगा ताकि उस आईपी एड्रेस से लोग पहुंच सके आसानी से मेरी कहीं ना कहीं वेबसाइट पे, जो भी उनको जरूरत है वो वहां पे उनको मिल सके। तो यहाँ पे वो आईपी एड्रेस का एक नाम होता है, इंटरनेट या फिर कंप्यूटर नहीं जानता है कि आपके आईपी एड्रेस का नाम क्या। कई बार ये आईपी एड्रेस चेंज भी हो सकता है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जैसे कि आप बैंक में जब आप एंटर करते हैं तो जब आप उनकी लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे जब आप देखते हैं तो वहां पे आपको उनकी वेबसाइट मेंशन नहीं दिखती बल्कि आईपी एड्रेस मेंशन दिखता है, तो वो एक प्राइवेट वे में काम करते हैं। ये आईपी एड्रेस हम पूरी दुनिया को प्राइवेटली बांट भी सकते हैं और उसको पब्लिकली लाइव भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें लोगों को सर्च करने में आसानी नहीं होगी, लोग कहां तक याद करेंगे, लेकिन www.google.com सर्च करना लोगों के लिए आसान हो जाता है। इसलिए ये जो आई कैन है, ये आई कैन जो है ना पूरी तरह से लिस्ट करती है उस डोमेन को। आपने कोई भी कंपनी से, सपोज कि आपने ओ डोमेन से एक डोमेन बाय किया जो .com का डोमेन है, तो पूरी तरह से आपका एक डोमेन लिस्ट हो जाएगा, एक आईपी एड्रेस लिस्ट हो जाएगा कि उस नाम से आप दोबारा कोई भी वेबसाइट नहीं बन सकती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है कि आई कैन में ऑन पेसिव टेक्नोलॉजी पूरी तरह से लिस्टेड हो चुकी है और ओ डोमेन से जितने भी डोमेन बिकने वाले हैं वो कहीं ना कहीं अंडर आई कैन, जितने भी यानी कि दुनिया में जितनी भी वेबसाइट चल रही है उसको कंट्रोल कौन करता है, वो कंट्रोल करता है आई कैन। अगर आई कैन इसको कंट्रोल ना करे तो पूरा इंटरनेट गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज कि सपोज करें कि एक बायजूस, सपोज करें कि बायजूस.com एक वेबसाइट है और वो होस्टिंगर से उसने बाय किया है डोमेन को, और कोई बंदा आता है और वो डोमेन से बाय कर लेता है, वो भी होस्टिंग, वो भी ओ डोमेन से बायजूस.com ओपन कर लेता है। अब बताएं कि यहाँ पे किसकी वेबसाइट सर्च में आने वाली है। इस चीजों को ही कंट्रोल करता है आई कैन कि भाई ये जो वेबसाइट है, ये डोमेन है, ये बिक चुका ऑलरेडी है। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे www.youtube.com को वो बोलेगा कि भाई ये लिस्टेड ऑलरेडी है, ये बिक चुका है। तो इसी चीज को पूरी कंट्रोल करती है आईकेन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए की, और माय डियर फ्रेंड जितना भी इंटरनेट प्रोटोकॉल है इन सबको कहीं ना कहीं पूरी तरह से हैंडल करती है। और हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जितने भी ये डोमेन बिकने वाले हैं या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे आप facebook.com देखते होंगे, youtube.com देखते होंगे, google.com देखते होंगे, कहीं ना कहीं वो आईकेन के अंडर ही काम करती है कि वो आईकेन में रजिस्टर है। और हम सब लोग जानते हैं कि आप ओ डोमेन के बारे में सोच रहे हैं,
ओ डोमेन और ऑन पीसीयू भी आईकैन में रजिस्टर है, ताकि ये पूरा इंटरनेट गड़बड़ा ना जाए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेट की, और हम सब लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हमारे लिए कितनी बड़ी चीज़ है ये, और हम सब लोग कहीं ना कहीं हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, इसीलिए इसको आप हल्के में ना लें, एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आईकैन के लगभग 19 या फिर 20 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो कि पूरी तरह को इंटरनेट से कंट्रोल करते हैं, पूरी तरह से इंटरनेट को संभालते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है प्लीज वीडियो को लाइक करें, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट करें, मैं इसी तरह के वीडियोस को बनाता रहता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।